1 सितंबर से प्रदेश भर में धान की खरीदी शुरू होने के बाद से अनाज मंडियों में ताबड़तोड़ खेतों से फसल पहुंच रही है। त्योहारी सीजन और मौसम को देखते हुए किसान जल्द से जल्द अपनी फसलों को बेचना चाहते हैं, लेकिन इसमें उन्हें समस्या आ रही है। गोहाना अनाज मंडी पहुंच रहे किसानों का आरोप है कि फसल खरीद को लेकर खरीद एजेंसियां आनाकानी कर रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने खाद की किल्लत का भी मुद्दा उठाया। मंडी में पहले तो बिक्री नहीं हो रही थी हमारी, और हो रही है तो वो भी कटाई की हो रही है, और फिर हम ये सोच के लाए थे अपने कुछ जीरी बेचा डीएपी ले आवा, डीएपी हमने मिल नहीं रहा। एक आधा दुकान पर प्राइवेट पर ले हैं वो अपने और समय बंद नहीं सोचे हैं, हमने चाहिए डीएपी, इसलिए नहीं डीएपी नहीं मिल रहा। फसल बिक रही है? फसल भी नहीं बिक रही जी, हुई फसल भी आड़ कई दिन पड़े रहा, कह दे मोचर है को, कह दे सफाई की है को, के मजर है, हमने गमाए फिर रहे। समस्या तो कई हुई, बेरा नहीं पट रहा, हमने क्या दिन था रही को, तो कह दे इसमें सफाई नहीं हो रही को, कह दे में मोस्टर है, मोस्टर माफिया मोस्टर बारा पाया उठा नहीं रहे, मोस्टर तो है नहीं इतनी कड़ी धूप पड़ लाग रही, इसमें कड़ा मोस्टर होता, और चलो थोड़ा मोटा है भी कड़ा आड़ा सोकावा का मुड़ा कटावांगे अपना बुआरा करांगे, डीएपी गए पूछने डीएपी नहीं, वो एक मैडम थी उस तक बात करी एसडीएम के साथ में दीवा ने बोली है नहीं डीएपी आगे भी नहीं, पर वो सरकार करे क्या दे मापन वाले भाई इलेक्शन में मिट रहे थे, दिक्कत आ रही है, दिक्कत घनी उठ नहीं रहा माल, अटती भी परेशान है, हमारा माल नहीं उठ रहा, दूसरी ट्रेलियाम के लिए खड़े हैं। धान खरीदी का निरीक्षण करने बड़ौदा हलके के कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल भी गोहाना अनाज मंडी पहुंचे और यहां किसानों को हो रही दिक्कतों के लिए प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया। बहुत बड़ी समस्याएं मिली मेरे पास, कल कई किसानों के आड़तियों के फोन गए थे, किसानों को देखे आप अनाज मौके के ऊपर, जब हमारी एसडीएम साहब आई मैं साथ थे, आप भी सारे पत्रकार साथी साथ थे, सुबह मास्टर भी 12 से कम था, 5 दिन से वो जीरी मोटी जीरी पड़ी थी वो भी नहीं भराई हुई, ना उठान है ना जीरी का भाव है ना जीरी की, आप देखोगे जो मोटी जीरी है एक ठगी किसान के साथ खरी जा रही है, मास्टर के नाम पर 250-300-400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसान के फसल के रेट काटे जा रहे हैं, किसान को पहले लाठियों से वैसे पीटा, आज फसल पीटने के लिए सरकार बिल्कुल तत्पर खड़ी है और देख रहा पीट भी रहे हैं, आप किसान बड़ा ठगी महसूस कर रहा है और ठगिया भी जा रहा है, ये सच्चाई है। अगर आप किसान की फसल की भी बात करो, सरकार को इस पराली को उठाने का काम तो नहीं कर रही, लेकिन उसको कई कई हजार रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जब किसान अपनी पराली को जलाने का काम करता है, गेहूँ भी बोना है बुआरा भी करना है तो उसके लिए भी जुर्माना लगा है बार बार, तो बड़ी दिक्कतें हैं किसान के साथ। किसान आप देखो कई डेरी जो मोटी जीरी है वो किसान ने एक एक हफ्ता 10-10 दिन हो गए सुखा रखी है, किसान क्या अपनी जीरी को यहाँ से मारे या खेत में फसल को काट के मंडी में लेके आए, किसान बड़ा परेशान है, किसान बड़ा दुखी है, और किसान का मैं बेटा हूँ, मैंने इस दुख और तकलीफ को पता है, इसलिए मैं आज मंडी में आया और मैंने देखा बहुत सारी समस्याएं किसानों की मिली, आड़तियों की मिली, डीएपी की कमी देखो आप, अगर आज मैंने पूछा अधिकारी से अगर मैम यहाँ कितने कट्टे आए, पूरी गोहाना तहसील में 1500 कट्टे डीएपी के, डीएपी नहीं मिल रहा किसान को, कैसे क्यों बुआरा होगा, किसान को जब खाद नहीं मिलेगा तो वो कहाँ बुआरा करेगा, कहाँ से क्योंकि बुझाई कराएगा, ये दिखते हैं किसान के साथ, इसलिए हम मंडी का दौरा कर रहे हैं। सरकार से क्या मांग रहे हैं? सरकार से मांग नहीं, सरकार को चेताना चाहूँ, किसान को आप मत सताएं, किसान के साथ मत ठगी करें, किसान को मत तरसाएं, आप किसान की समस्याओं को पूरा करें, अन्यथा किसान और कांग्रेस पार्टी आपको विधानसभा में भी घेरने का काम करेंगी, अगर कोई रोड की भी बात आएगी तो वो भी घेरने का हम काम करेंगे। सरकार से कहना चाहूँगा कि किसान को हमें वो एमएसपी भी जो खरीद है वो देनी उठान होना चाहिए, और किसान को जो डीएपी का खाद है वो दे देना चाहिए, ये नहीं कि किसान के लाठी मार मार थानों में खाद बटने का काम ना हो, किसानों को पहले ही डीएपी का खाद देने का काम। वहीं इस पूरे मामले पर गोहाना एसडीएम अंजलि का कहना है कि किसानों की समस्या को दूर करने के लिए तमाम कदम उठाए गए हैं, साथ ही खाद की किल्लत को लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। पीआर वैरायटी को लेकर एक तो लिफ्टिंग का थोड़ा इशू चल रहा है, मगर वो रिजॉल्व हो रहा है, हम लोगों ने ठेकेदारों से बात कर नंबर ऑफ ट्रक्स भी बढ़वा दिए हैं लिफ्टिंग के लिए, उसको डबल भी करवा रहे हैं। जिन पीआर वैरायटीज में मॉइस्चर कंटेंट 17% से ऊपर है उनको हम लोग स्प्रेड करवा रहे हैं अच्छे से मंडी में, ताकि उनका मॉइस्चर 17 या 17 से नीचे आए,
क्योंकि उनकी परचेज तभी की जाएगी। तो लिफ्टिंग वाला जो प्रोसेस है हम उसको 2-3 दिन में विद इन रेंज ले आएंगे और फिर वो अपने नॉर्मल प्रोसीजर से चलेगा। डीएपी खाद को लेकर भी काफी परेशानी किसानों का यहाँ। जितने हमारे एफएड के पास आए हुए थे डीएपी हमारे कॉर्पोरेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास, वो सारे बैग्स हमने डिस्ट्रीब्यूट करवा दिए हैं सारे फार्मर्स को। अब जो नेक्स्ट रैक हमारे पास अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, उसके लिए हम ऊपर लिख रहे हैं, जैसे ही वो हमारे पास आते हैं हम तुरंत उसको डिस्पैच करवाएंगे। बता दें कि कार्यवाहक सीएम नायब सैनी खुद मंडियों का दौरा कर अधिकारियों को फसल बिक्री में किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।